डियर स्टूडेंट हाउ आर यू। तो जो भी बच्चे जेई 2020 मेन जनवरी में अपियर होने वाले हैं उन सबको न्यूक्लियन की ओर से बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छा करना है, बहुत मेहनत करनी है, ठीक। तो अभी जेई 2020 मेन जो अटैम्प है आपका, इसके लिए कुछ गाइडलाइन मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सारे टॉपिक आपके पढ़े हुए होने चाहिए। यानी ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे ने 80% या 90% सिलेबस किया हो और 10% या 20% उसका छूटा हुआ हो। तो एडवाइस ये है कि आपको कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है। इसका कारण है कि जेई मेन का लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हो सकता है कि आप उस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करें और एक बार पढ़ने पर ही आप उसके जेई के क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाए। तो हमारा पहला पॉइंट ये होना चाहिए, पहला टारगेट ये होना चाहिए कि 100% सिलेबस हम जेई का करके जाएंगे जेई मेन को अपियर होने से पहले, ठीक। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि एनसीईआरटी जो है वो थोरोली आपको बहुत ढंग से केयरफुली पढ़नी है, क्योंकि जेई मेन में कई सारे क्वेश्चन सीधे एनसीईआरटी के सोल्ड एग्जाम्पल या उसके न्यूमेरिकल्स में से आ जाते हैं, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट ये है कि एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़े, ठीक है। एनसीईआरटी के पीछे जो टेक्स क्वेश्चन है उनको आप ढंग से करके जाए, ठीक है। तीसरी एडवाइस ये है आपको कि जेई के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उनको आप जरूर देखे जाए, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है एडवांस में तो इसकी संभावना कम है कि क्वेश्चन रिपीट होगा, लेकिन जेई मेन में इसकी संभावना है कि जो पिछले कुछ सालों में जेई एडवांस या जेई मेन में क्वेश्चन आए हैं, इवन इन ट्रिपल एआई ट्रिपल ई जो एग्जाम था पहले जिसको वैनिश कर दिया गया, उसमें से भी कुछ क्वेश्चन आपको सीधे दिखाई पड़ सकते हैं। तो तीन पॉइंट ये आप ढंग से जो है दिमाग में रख के तैयारी करें, ठीक है, और अच्छे तरीके से क्वेश्चन करके आए, एग्जाम को ढंग से अपियर हों, ठीक। तो ये तो थी गाइडलाइन। अब जेई मेन 2020 जनवरी में अटेम्प्ट होने के बाद हमारे पास एक और चांस होगा अप्रैल महीने में, ठीक। तो अप्रैल महीने का जो अटेम्प्ट है उसके लिए न्यूक्लियन जो है वो एक स्पेशल कोर्स क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहा है, जो कि 18 जनवरी से स्टार्ट होगा और कोर्स एंडिंग डेट होगी 4 अप्रैल, ठीक है। तो ये लगभग 100 डेज का कोर्स है। 100 डेज के कोर्स में आपकी 6 डेज ए वीक क्लासेस होगी, तीनों क्लासेस होगी पीसीएम की, ठीक है। और इस प्रोग्राम के फीचर ये होंगे कि इसमें आपको एक्सपीरियंस्ड आईआईटीएन फैकल्टी जो कोटा में पढ़ा चुकी है वो पीसीएम लेगी, सारे फैकल्टी आईआईटीएंस होंगे, पहली चीज ये, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जेई मेन के जो टॉपिक्स हैं वो एक तरह से जिन बच्चों ने पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए हैं उनके लिए, पढ़े हुए हैं तो उनके लिए अच्छा रिविजन हो जाएगा ये, ठीक है। तो पढ़ाते समय हम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेंगे जो कि आपको जेई मेन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अभी मैं ये क्रैश कोर्स जो है सिर्फ जेई मेन के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये कोर्स जो हमारा शुरू होने वाला है ये दोनों मोड में होगा, ऑफलाइन और ऑनलाइन, ठीक है। ऑफलाइन जो है वो कोर्स हमारा चलेगा कोटा सेंटर पे, तो जो बच्चे कोटा आ सकते हों वो कोटा में 100 डेज का ये कोर्स कर सकते हैं और सारी फैकल्टी से जो है पर्सनली जो है वो गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे कोटा नहीं आ सकते उनके लिए ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन जो पोर्टल पे हमारा क्रैश कोर्स होगा उसकी खासियत ये होगी कि आप ऑनलाइन डाउट पूछ सकते हैं, ऑनलाइन प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ठीक है ना। थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी, स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशन आपको कराई जाएगी, साथ में हम आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करा रहे हैं जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, प्लस लास्ट में आपको जो है मेजर टेस्ट लिया जाएगा कंबाइंड पूरा पीसीएम का सिलेबस का, जेई मेन पैटर्न का, 4 अप्रैल के पहले, ठीक है। तो आप सभी को एक बार फिर से जेई मेन के लिए शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस फ्रॉम न्यूक्लियन फैमिली।